बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहज़ेब अली आपके साथ UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची के एक बहुत ही टैलेंटेड और यंग ओपनिंग बैट्समैन जाहिद अली। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शाहज़ेब भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जाहिद, सबसे पहले तो रेड बॉल की बात आपसे करना चाहूँगा कि रेड बॉल स्पेशलिस्ट आपको कहा जाता है और ऑफ एंड ऑन आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं कराची के लिए भी एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए भी, लेकिन इस बार सेकंड 11 से खेल रहे थे, 3 डे फॉर्मेट था और अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ आपकी बैटिंग में नज़र नहीं आई, लेकिन आज आपने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 70 रन भी किए, तो क्या समझते हैं क्या मिस कर रहे थे बैटिंग में थ्रू आउट द सीज़न? नहीं शाहज़ेब भाई, ये है कि रेड बॉल में ऑब्वियसली मैं बहुत प्रेफर तो नहीं कहूँगा कि मैं बड़े कंसिस्टेंटली 3-4 सालों से रन कर रहा हूँ, तो इसमें ये हुआ कि शुरू में ये कि मुझे स्टार्ट्स अच्छे मिले लेकिन मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया। फिर ये हुआ कि मैं थोड़ा तीन नंबर पे आ गया। फिर जैसे इस मैच में था तो मैंने तौसीफ भाई से बोला कि मैं अपने नंबर पे ही जाऊँगा, तो अभी बड़ा कॉन्फिडेंस मिला इस इनिंग के बाद, क्योंकि हमारे सेकेंड इनिंग में हमने मैच बेसिकली लीड उन्होंने ले ली थी, तो अभी बहुत टफ कंडीशन में हमारे 4-5 ऊपर से आउट हो गए, 70 रन किए, कॉन्फिडेंस मिला है, तो इंशाल्लाह 4 मैच हैं, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अपना सीज़न, जैसे मेरा वाइट बॉल T20 रिसेंटली अच्छा गया तो कोशिश करूंगा इसको भी अच्छे नोट पे फिनिश। अच्छा, एनालिस्ट के साथ थोड़ा काम करते हैं आप, जानने की कोशिश करते हैं कि अपनी बैटिंग में कहां पर लैग कर रहे हैं या कहां पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? शाहज़ेब भाई, मैं तो एनालिस्ट और तौसीफ भाई से ये पूछा, तुम जब मेरी गलती बताएं, वो कह रहे हैं कि तुम खेल सही रहे हो, बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ी बैड लक भी कह दें और क्रिकेट में ऑब्वियसली आपको थोड़ी बहुत लक भी चाहिए, तो जैसे एक दो दफ़ा रन आउट हो गया, फिर ऐसी सिचुएशन आ गई, तो वो कह रहे हैं कि तुम खेल अच्छा रहे, और आज की इनिंग्स के बाद वही कह रहे हैं कि पहली इनिंग में मैंने इनके खिलाफ 24-25 किए, तो उस पर भी यही कह रहे हैं कि तुम बेसिकली खेल अच्छा रहो, एनी टाइम तुम्हारी बिग इनिंग्स ड्यू है, तो बस एनालिस्ट ऑब्वियसली हर मैच के बाद हमारे एनालिस्ट हैं शान, उनके साथ लगा रहता हूँ, तो वो यही कह रहे हैं कि तुम अच्छा बैलेंस से खेल रहे हो तो तुम रन अच्छे कर दोगे। अच्छा, वाइट बॉल क्रिकेट के साथ आपको इतना एसोसिएट नहीं किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर है कि जब आप PSL में भी सिलेक्ट हुए थे तो बहुत सारे क्वेश्चन रेस किए गए थे, लेकिन इस बार जब हमने आपको सेकंड 11 के नेशनल T20 में देखा तो एक अलग ही जाहिद अली में नज़र आए कि जो T20 को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेल रहे थे, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने, वहाँ भी आपने 70 किया, तो T20 गेम अपना आपने कैसे इम्प्रूव किया, उसमें आपने कैसे अपनी जो ये स्ट्रोक्स हैं इनको डेवलप किया? शाहज़ेब भाई, ये था कि मुझे T20 में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, बाकी यह है क्योंकि लोगों ने मेरे ख्याल से खेलते हुए मुझे देखा नहीं था कभी, तो ऑब्वियसली T20 में मैं लोकल टूर्नामेंट्स तो काफ़ी खेलता रहा हूँ लेकिन मेरे ख्याल से लोग इतना वो फॉलो नहीं कर रहे, तो इस T20 में ये था कि मैं अपना जो लास्ट ईयर से अब तक है मैंने वाइट बॉल पे, रेड बॉल तो करता हूँ थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन और पावर हिटिंग वगैरह पे बहुत काम किया था, तो मैं ग्लैड हूँ जब रिजल्ट सामने आपके अच्छे आते हैं, जब कंसिस्टेंटली मैं T20 में रन किए हैं अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, तो मैं समझता हूँ कि अब यह है कि मैं काफ़ी खुश होता हूँ जब मेरे ये जो प्रैक्टिस की हुई है वो काम आती है, तो काफ़ी खुश हूँ। अच्छा, जैद, PSL का एक्सपीरियंस कैसा था, इतने सारे लेजेंड्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनके साथ प्रैक्टिस करना, अनफॉर्चुनेटली आपको मैच तो नहीं मिला लेकिन वो एक एक्सपीरियंस ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। शाहज़ेब भाई, मैं कहूँगा कि मेरा बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उसमें ये कि वसीम भाई, पहले तो सलमान भाई थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, वसीम भाई थे और जितने भी सीनियर प्लेयर थे, मैडी भाई हो गए, आमिर भाई हो गए, वो बाबर आजम हो गए, उनके साथ तो मैं ए टीम में खेला भी हूँ, तो मतलब कि ये कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जो फॉरेनर्स हैं सारे हैं उन्होंने मुझे बेसिकली कुछ मैंने सीखा भी वहाँ से, बहुत चीज़ें सीखी हैं जैसे कि अपनी किस तरह आपने ले कर चलना है अपने ऑन एंड ऑफ द फील्ड, तो मैं समझता हूँ मेरे लाइफ चेंजिंग एक समझ इस T20 में मैंने वही चीज़ें अप्लाई की जो मैं वहाँ से सीख के आया था, तो आपको रिजल्ट्स आपके सामने, तो काफ़ी सीखा हूँ मैं उधर। अच्छा, PSL का ड्राफ्ट आने वाला है नवंबर के एंड में और आप पर उम्मीद तो होंगे क्योंकि पिछली बार आप टीम के साथ थे, इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो क्या होप्स हैं PSL से? शाहज़ेब भाई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे इंशाल्लाह मेरा नाम आए, और अगर मुझे मौका मिलता है तो आई थिंक आप जैसे आपने सारे मुझे देखा ही है खेलते हुए, तो आई एम रेडी फॉर माई अपॉर्चुनिटी, और मैं कोशिश करूँगा कि उस स्टेज पर अगर मुझे पिक होता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह करे इंशाल्लाह, उसके बाद अगर मुझे मैच मिलता है तो अपनी एबिलिटी लोगों को दिखाऊं। अच्छा जाहिद, आप उन प्लेयर्स में से हैं कि जो रीजन के लिए भी खेलें, जो डिपार्टमेंट के लिए भी खेलें, इस करंट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से आप क्या कहेंगे, इसमें चेंजेस आई हैं, 3 डे भी खेला जा रहा है, साथ साथ 4 डे भी खेला जा रहा है, फिर बीच में आपने T20 भी खेला, आगे पाकिस्तान कप भी होना है आफ्टर PSL, तो इस नए स्ट्रक्चर को आप कैसे देखते हैं? शाहज़ेब भाई, ये नया स्ट्रक्चर मतलब बहुत बहुत मतलब हम एज ए क्रिकेटर्स हम ये आपके सामने ये ग्रेड 2 क्रिकेट है जो लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता, इसमें कंपटीशन और स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो क्वालिटी क्रिकेट हमें खेलने को मिल रही है, आप किसी भी वक्त ऑब्वियसली
बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग, टॉप क्लास क्रिकेट हो रही है, तो ऑब्वियसली ये क्रिकेट बहुत क्वालिटी क्रिकेट हो रहा है। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह 2-3 सालों में इसके रिजल्ट्स आपको सामने देखेंगे। अच्छा चलें आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते, जैसे आपने बाबर आजम की बात की तो उन्हीं की कप्तानी में आप ए टूर भी आपने किया था इंग्लैंड का 2016 में, और वहाँ पर वनडे में आपने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त इनिंग्स भी खेली थी, और ये तब आपने खेली थी जब आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि ए टीम में आप नज़र नहीं आए, और वो एक्सपीरियंस कैसा था शाहिद भाई? वो 2016 क्योंकि वो इंग्लैंड लॉयंस की टीम थी और वो टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। मेरा ब्रेक थ्रू सीज़न था 2016 का, जब मैंने फर्स्ट क्लास में 730 रन किए थे आई थिंक उस सीज़न, तो मेरा नाम आया था, बासित भाई कोच थे हमारे। इसी ग्राउंड पे आपने 150 भी जी 155 किए थे। तो मैं एक जब गया था उधर, तो मैंने ना वनडे में जो कह रहे हैं मैंने पूरे टूर में टॉप किया था, तो उससे मुझे इतने बड़े नाम हमारे साथ थे, जब मैंने पूरे टूर में फोर डे और वनडे में टॉप किया तो मुझे कॉन्फिडेंस बहुत मिला। उनकी हाई क्लास बॉलिंग थी, वनडे में मैंने जैसे आप कह रहे हैं आई थिंक वनडे में 100 किया और फिर एक 90 भी किए श्रीलंका 94, तो मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस बहुत मिला। और मैं समझता हूँ इंग्लिश कंडीशन में रन करना मुश्किल होता है, लेकिन जब वहाँ रन किए तो बहुत कॉन्फिडेंस है। और इंग्लिश कंडीशंस की ही बात करते हैं, अभी यूके में आप लीग खेल के आए और वहाँ पर भी बड़ी आपकी टॉप परफॉर्मेंसेज थी, एज ए प्रो आप खेल रहे थे, तो ये एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि कहते हैं कि उन कंडीशंस में जो परफॉर्म कर दिया क्रिकेट उसके लिए आसान हो जाती है। जी इसके दो साइड्स हैं, इंग्लैंड मैं जा रहा हूँ 2-3 सालों से जा रहा हूँ और वहाँ कोशिश करता हूँ कि प्रीमियर क्रिकेट खेलूँ जो कि ड्यूक की बॉल से होती है। तो मैं ऑन पर्पस लास्ट, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट था केरल, वहाँ कंडीशंस आपको पता ही है कि थोड़ा सा ड्यूक का बॉल होता है, बॉलर को सपोर्ट होता है, तो 2-3 सालों से मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, वहाँ लीग क्रिकेट खेलूँ, वहाँ ड्यूक की बॉल से होती है और काफ़ी कंपेटिटिव क्रिकेट होती है। हमारे जो ओवरसीज दूसरे मुल्कों से, इंडिया से प्रो है, ऑस्ट्रेलिया से, तो जब आप प्रो होते हो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आती है, तो वो चीज़ आप फिर सीखते हो, मेच्योर होते हो और फिर यहाँ अप्लाई करते हो, तो बहुत फ़ायदा हुआ। क्रिकेट तो आप खेल रहे हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आप क्रिकेट की तरफ कैसे आए? क्योंकि हर क्रिकेटर से ये सवाल पूछा जाता है कि कोई ना कोई ऐसे मोमेंट होती है जिसने उसे इंस्पायर किया कि वो क्रिकेट की तरफ ही आए, कोई और प्रोफेशन चूज़ ना करें। शायद भाई क्रिकेट मैंने थोड़ा लेट शुरू की है, क्रिकेट मैंने शुरू की है 14-15 में मैंने स्टार्ट की, लेट है मतलब ये कि अगर आप लगा लें अंडर 12-13 से लोग आते हैं, अंडर 16 से मैंने कराची की टीम में ड्राफ्ट हुआ, वहाँ मैं बेस्ट बैट्समैन बना। घर वाले मुझे ऑब्वियसली सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हमारे घर में कहते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली मैं क्रिकेट के साथ साथ एजुकेशन भी लेकर चल रहा हूँ। फिर जब मेरे घर वालों ने देखा कि यार टैलेंट काफ़ी है, हार्ड वर्क करते हैं, तो मेरे वाले साहब ने मुझे यही कहा कि आप हार्ड वर्क करो, नियत साफ रखो और दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलो। अच्छा क्रिकेट और एजुकेशन की जब बात होती है तो व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि यार ये क्रिकेटर है, इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो थोड़ा सा अपने हवाले से बताएंगे। शाहिद भाई मैंने ओ लेवल्स किया हुआ है, ए लेवल्स किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने BBA किया हुआ है, और अभी इंशाल्लाह 2 साल मास्टर्स की, मैं अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आई विल बी डन विद माय मास्टर्स। ये मैसेज है उन तमाम प्लेयर्स के लिए कि जो कहते हैं कि भाई खेलने की वजह से शायद हमारी स्टडीज़, तो आप स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं टॉप लेवल पे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के साथ साथ। अच्छा शॉर्ट क्रिकेटिंग कैरियर आपका रहा है, जैसे आपने कहा कि आपने लेट क्रिकेट स्टार्ट किए, तो कोई अपनी मेमोरी बताएंगे इस क्रिकेटिंग कैरियर की जो आपने इतनी क्रिकेट खेली है, कोई ऐसी मेमोरी आपको याद हो, या कोई ऐसी इनिंग्स आपकी याद हो, या कोई ऐसा इंसिडेंट याद हो जो आपके कोच ने आपको कहा हो कुछ ऐसी बात? मेरे शाहिद भाई मेरे ख्याल से जब मैं इंग्लैंड के टूर पे गया, तो जब मुझे ऑब्वियसली पहला पाकिस्तान ए का टूर था, वो मेरी लाइफ का आई थिंक मोस्ट मेमोरेबल किसी भी प्लेयर के लिए, ए टीम में गया था और जहाँ मैंने वो 100 की थी आई थिंक, उसमें मार्क वुड बहुत उनकी टॉप ऑफ द लाइन बॉलिंग थी, उनके खिलाफ 100 करके आई थिंक मेरी लाइफ की बेस्ट इनिंग्स होगी वो, जो मैं समझता हूँ अप टिल नाउ, और मेमोरेबल भी। अच्छा ठीक है, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, और साथ साथ ये भी बता दें कि जाहिद अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स भी कोई शोबिज़ में नज़र आ रहा है, कोई कोचिंग में, कोई कमेंट्री में, कोई कहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आपने क्रिकेट पर ही फोकस किया था या साइड में कुछ और भी सोच रखा था? नहीं शाहिद भाई क्रिकेट के अलावा अगर ऑब्वियसली मेरा था क्रिकेट, अगर क्रिकेटर नहीं होता मैं तो आई थिंक मैं कहीं मार्केटिंग साइड पर कहीं किसी फर्म में काम कर रहा होता, क्योंकि बिजनेस साइड जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड होता, बिजनेस अपना इस्टेब्लिश करता, उस तरफ था मेरा कि मैं बिजनेस साइड पे आ जाऊँ। अगर फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर टारगेट्स क्या हैं, फ्यूचर टारगेट्स फॉर्मेट्स के हवाले से जैसे बात की जाती है कि रेड बॉल वाइड बॉल, तो आप कौन सा फॉर्मेट प्रेफर करते हैं ओवरऑल जो भी क्रिकेट मिले आपके लिए बेस्ट? अभी तो वाइड बॉल ही कह लें लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर गोल्स मेरे यही, मेरा कोशिश यही होती है कि मैं जौन सी भी क्रिकेट खेलूँ उसमें मैं अपना 100% दूँ, साफ नहीं इसे परफॉर्म करूं। और अभी मेरे सामने मेरे ख्याल से मैंने, अगर मुझे PSL में मौका मिलता है तो उसमें मैं कोशिश करूं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं परफॉर्म करूं। बाकी ये है कि रेड बॉल वाइड बॉल शाहिद भाई मैं समझता हूं एक अच्छा प्लेयर सारे फॉर्मेट खेल, जिसका डिफेंस अच्छा हो वो सारे फॉर्मेट खेल सकता है,
जो कि अभी मैं उसी पे काम करूँ। बस यही है कि मैं सारे फॉर्मेट के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली अवेलेबल रखूँ। थैंक यू जाहिद, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू शाहिद। तो हमारे साथ मौजूद है कराची के ओपनर जाहिद अली। इसी तरीके से ग्रीन टीम ऑन फील्ड से आपके लिए एक्साइटिंग इंटरव्यूज लाते रहेंगे। शाहिद अली को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।